अस्सलामुअलैकुम तमाम सब्सक्राइबर्स को हेलो। और आज हम अपने पार्लर में स्पेशल पार्लर सीक्रेट ब्लीच बनाएंगे जो स्किन पॉलिश में भी यूज़ होती है। अब ये छोटा सा बाउल और हमने ब्रश ले लिया सबसे पहले। तो अब जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको सब दिखाती जाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है सॉफ्ट टच की पीच क्रीम ब्लीच है हमारे पास। ये आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपको ज़रूरत है, एक फेस के लिए, दो फेस के लिए, तीन फेस के लिए। मैं यहाँ सिर्फ अपने फेस के लिए बना रही हूँ और ये मैंने इतनी सी ही ली है क्योंकि इसमें मुझे और भी प्रोडक्ट्स शामिल करनी है। आपने जो है ना क्रीम उतनी ही लेनी है जितनी ज़रूरत हो, ना कम पड़े और ना ही ज़्यादा, ज़ाया भी ना हो और कम भी ना हो। तो ये मैंने इसमें डाली है, ये सारी प्रोडक्ट्स मैं आपके सामने रखती जा रही हूँ। और इसके बाद हमारे पास सॉफ्ट टच का ही ब्लीच पाउडर है, हमने इस ये भी उतना ही लेना है। आपने सबसे पहले तो अपने जो है देख लेना कि आपको ज़्यादा लगती तो नहीं है, ब्लीच चुभती तो नहीं है, उतने ही हिसाब से आपने ब्लीच पाउडर डालना है। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ आपके सामने, सबसे छोटी वाली जो स्पून होती है उससे मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा पाउडर डालने से जो है वो केमिकल होता है, ज़ाहिर है ये फिर फेस पर एलर्जी भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है। ये हमने, ये तो हमारी सिंपल ब्लीच बन गई, सिंपल ब्लीच जो लोग घरों में भी करते हैं ये वो है। उसके बाद हमारे पास लॉफ्टी वालों का सूथिंग लोशन है, ये भी हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा हमने नहीं डालना, बस ये हमने इतना सा ही डाल दिया। ये भी सामने रख दिया, लॉफ्टी वालों का सूथिंग लोशन है। और इसके बाद हमने लेना है सॉफ्ट टच ब्रांड का स्किन शाइनर, ये शाइन करेगा, स्किन को शाइनिंग में मदद देगा। ये भी हमने थोड़ा से थोड़ी थोड़ी सी प्रोडक्ट डाली है, ज़्यादा भर भर के नहीं डालनी, ये हमने डाल ली इसके अंदर, ये भी थोड़ा ही डालना है। उसके बाद हमारे पास स्किन टोनर है, ये इसको पहले हिला लें और उसके बाद स्किन टोनर भी आपने थोड़ा सा डालना है। ज़्यादा चीज़ें डाल दी तो ब्लीच का असर ही ख़त्म हो जाना है, बस थोड़ी थोड़ी ही डालनी है आपने। उसके बाद हमारे स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स आ गए, एक आप एक बंदे के लिए बना रही हैं तो एक ही कैप्सूल डाल दें इसके अंदर, ये कट करके ऐसे डालना होता है। इसके अंदर वाइट सा पेस्ट होता है वो डाल दिया आपने इसके अंदर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये डल गया हमारा वाइटनिंग कैप्सूल और अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो ब्लीच पाउडर हमने डाला है वो अच्छी तरह से मिल जाए, घुल जाए। ये देखें अच्छी तरह से इसको ना आपने मिक्स कर लिया। ये आपको ना, ये आपके जो फेस पे छोटे छोटे रुएं होते हैं ना, छोटे छोटे बाल होते हैं, ये उनको प्रॉपरली आपके जो हैं उनको गोल्डन कर देगी। जो उन्हीं बालों की वजह से ना फेस जो है डल नज़र आता है, इसीलिए ब्लीच लोग करते हैं या स्किन पॉलिश वगैरह करवाते हैं, तो ताकि वो बाल जो गोल्डन हो जाएं तो फेयर फेस थोड़ा फेयर नज़र आता है और थोड़ा क्लियर नज़र आता है, नीट नीट। ये हमारी ब्लीच बन गई है और आप देखें ये चीज़ें मैंने डाली हैं इसके अंदर, वाइटनिंग पाउडर सॉफ्ट टच का, सॉफ्ट टच की पीच क्रीम ब्लीच, लॉफ्टी का हमने डाला है सूथिंग लोशन, स्किन शाइनर, स्किन टोनर और एक अदद वाइटनिंग